हेलो फ्रेंड्स दिस इज माई यूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट स्टडी इंडिया पे तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन थर्मोडाइनेमिक्स एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के बारे में तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ तो पहला क्वेश्चन हमारा गेवन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन तो जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है तो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है ऑन टेम्परेचर तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस के बारे में हमको बताना है कि इनकी वैल्यूज जो होती है वो क्या हो सकती है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस की बात करें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवेन टू वन ग्राम ऑफ गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर टू यूनिट डिग्री सेल्सियस तो यूनिट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो वन ग्राम ऑफ गैस को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वही हमारे स्पेसिफिक हीट होती है तो जो स्पेसिफिक हीट होती है उनकी वैल्यू बिटवीन लाई करती है बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी तो थर्ड ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के टाइम एडियाबेटिक कंप्रेशन के टाइम जो गैस होती है उनकी टेम्परेचर क्या होती है तो उनकी टेम्परेचर राइज करती है फॉल करती है जीरो हो जाती है कांस्टेंट रहती है उनके बारे में बताना है तो जब भी हम एडियाबेटिक कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो राइज करने लग जाता है एज यहीं पर अगर हम एक्सपेंशन की बात करते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन की जगह एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो फॉल करने लगता है तो जब हम एक्सपेंशन सॉरी कंप्रेशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा एंड जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता रहता है तो यहाँ पे हमारे कंप्रेशन की बात करी गई है तो कंप्रेशन में हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन विच प्रोसेस तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस केस में जो वो तो, तो यह जो प्रोसेस है जूल्सन एक्सपेंशन उस प्रोसेस में जो इंथेपी होती है वो कांस्टेंट रहती है तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कार्नोट साइकल कंटेन्स तो कार्नोट साइकिल व्हाट थर्मल प्रोसेस एरियाबेटिक प्रोसेस या कितने थर्मल या एरियाबेटिक uh, प्रोसेस को वो कंटेन करता है उसके बारे में बताना है तो जब हम कार्नोट साइकिल के पी वी डायग्राम को स्टडी करेंगे तो इनका पी वी डायग्राम जो समवट होता है वो हम कह सकते हैं इस तरीके का होता है ये हमारा पी हो गया ये वी हो गया समवर्ट इस तरीके का डायग्राम इनका होता है तो यहां पे जो होता है ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है ये होता है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन और यहां पे जो होता है वो हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है इस पॉइंट की बात करें तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है इस पॉइंट पे बात करें तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है That is, जब हम इस पीवी डायग्राम को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दो आइसोथर्मल हमारे प्रोसेस हो रहे हैं एंड दो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए एंड

50 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी विल बी तो यहाँ पे कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है तो कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी हम निकालते हैं ईटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन तो यहाँ पे टी वन टी टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और एफिशिएंसी निकाल देंगे हंड्रेड डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इनके दो टेम्परेचर की वैल्यूज हो जाएगी जब इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जब हम टेम्परेचर को सब्सटीट्यूट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली थर्टीन पॉइंट फोर डिग्री सॉरी थर्टीन पॉइंट फोर परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी हमें कार्नोट साइकिल की दिखेगी तो कार्नोट साइकिल जब ऑपरेट किया जा रहा है बिटवीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस देन जो उसकी एफिशियंसी होगी वो थर्टीन परसेंटेज की होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज दी ऑफ कार्नोट इंजन तो यहां पर बात कर रहा है एफिशियंसी की ही एफिशियंट आउट करना है तो जब हम एफिशियंसी के देखा कि एफिशियंसी डिफाइंड एज वन माइनस टी टू अपॉन टी वन अब यहां पर कंडीशन क्या दे रहा है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो यहां पर टी टू जो होता है वो सिंक का होता है टेम्परेचर और जो T1 होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है तो यहां पे कंडीशन क्या दी है कि सोर्स के टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जब सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं दैट T1 को इंक्रीज कर रहे हैं और जब जब T1 को इंक्रीज किया जाएगा तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो उतनी ही छोटी होती जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता जा रहा है अब डिनोमिनेटर हमारा जितना ही बड़ा होगा ये टी टू अपॉन टी वन उतना ही छोटा होता जाएगा जब उतना ही छोटा होता जाएगा तो वन में से उतनी ही छोटी वैल्यू माइनस होगी दैट इज कंप्लीट एफिशिएंसी क्या करने लग जाएगी इंक्रीज करने लग जाएगी तो इस केस में क्या देखेंगे कि जब इस तरीके की कंडीशन गिवेन है तो जो एफिशियंसी होगी कारनॉट इंजन की वो इंक्रीज करने लग जाएगी तो फर्स्ट ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की बात कर रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट जो हम किसी भी सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करता है वो पास करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देन द अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो इक्वल होती है टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं दैट इज यू टू माइनस यू वन होता है प्लस द एक्सटर्नल वर्क डन तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट टू या कह सकते हैं कि स्पेशल केस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो फोर्थ ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इक्वेलेंस ऑफ टू सिस्टम इन दर्मल इक्विलीबरियम इज रिप्रेजेंटेड बाई तो जो इक्वेलेंस है किसकी बात कर रहा है थर्मल इक्विलीबरियम की तो थर्मल इक्विलीबरियम के केस में क्या देखा जाता है कि हम कभी भी बोलेंगे कि हमारा सिस्टम या कोई भी सराउंडिंग एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलीब्रियम में है उस केस में किसी भी तरीके का टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो इक्वेलेंस ऑफ टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा क्या टेम्परेचर पे क्योंकि वहां पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है तो इज रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर तो फर्स्ट ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल इज तो अगर हम एफिशियंसी की बात करते हैं तो जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो क्या होता है इटा इज इक्वल टू अपॉन तो हमें देखने को मिलता है कि ये वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है तो उसी तरीके से यहां पे क्या पूछ रहा है गेन इन एंट्रॉपी के बारे में पूछ रहा है कार्नोट साइकिल के तो जो गेन इन एंट्रॉपी होता है कार्नोट साइकिल के केस में वो जीरो के बराबर होता है तो थर्ड ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच रिलेशन रिप्रेजेंट्स क्लॉशियस थियरम तो यहाँ पे क्लॉशियस थियरम के बारे में बात कर रहा है तो क्लॉशियस थियरम क्या होता है क्लॉशियस थियरम है एक साइक्लिक इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन के बारे में बताता है वो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन इंथेरेपी ऑफ अ रिवर्सिबल सिस्टम या रिवर्सिबल साइकिल वो जीरो के बराबर होती है यही हमारा क्लॉशियस थियरम होता है दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल

इस t1 एंड t2 तो एफिशिएंसी हम कैसे बताते हैं 1 t2 t1 t2 क्या है t2 है हमारा सिंक का टेंपरेचर एंड t1 है हमारा सोर्स का टेंपरेचर तो ये होता है हमारा सिंक का टेंपरेचर एंड जो डिनोमिनेटर में है ये हमारा सोर्स का टेंपरेचर होता है तो 1 t2 t1 दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सप्रेशन इन तो इन इक्वलिटी का एक्सप्रेशन के बारे में हमको बात करना है क्लॉशियस इनक्वेलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है तो जैसे अभी क्लॉशियस थ्योरम के बारे में देखा तो क्या देखा कि जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन इंथेपी ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम वो होती है जीरो के बराबर और जब हम साइकिलिक इंटीग्रल करें चेंज इन इंथेल्पी का इन रिवर्सिबल साइकिल के लिए तो वो हमेशा लेस देन जीरो के बराबर होती है तो एक कंबाइंड वे में क्लॉशियस इनिक्वालिटी एक्सप्रेशन जो हमको मिलता है वो मिलता है साइकिलिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और यहाँ पे जो Q होता है वो हमें इंथेल्पी इन या फ्रॉम या कह सकते हैं चेंज इन हीट बताता है डी क्यू से और भी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है और ये जो है वो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल होता है और इसमें क्या है कि इक्वल टू होता है कब जब हम रिवर्सिबल साइकिल की बात करते हैं और ये हमेशा लेस देन इक्वल सॉरी लेस देन जीरो होता है जब हम इन रिवर्सिबल सिस्टम की बात करते हैं पर यहाँ पे हमें क्लॉशिश इन इक्वेलिटी बता रहे हैं यहाँ पर रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल की बात की नहीं है तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल टू जीरो के बराबर तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन टू जीरो जब कभी भी हम इन साइकिल की बात करेंगे तो चेंज इन इी ऑफ सर्कुलर इंटीग्रल या साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो लेस देन जीरो के बराबर ही आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड बाई ए टेम्परेचर एंड ट्रॉपी डायग्राम तो कार्नोट साइकिल में जो टेम्परेचर एंड ट्रोपी डायग्राम के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है आइसोथर्म्स पैरेलल होते हैं टू टेम्परेचर एक्सिस या आइसोथर्म पैरेलल होते हैं एंट्रोपी एक्सिस के या आइसोथर्म सर्कुलर होते हैं या नन ऑफ दीज होता है तो जब हम कार्नॉड साइकिल के टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के बारे में बात करें अगर हम जस्ट सिंपली पी वी डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है समवट इस तरीके का एक डायग्राम हमें देखने को मिलता है जहाँ पे यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे क्या होता है एरियाबेटिक एक्सपेंशन होता है यहाँ पे जो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है एंड इस पॉइंट पे एरियाबेटिक कंप्रेशन होता रहता है तो ये तो पी वी डाइग्राम के बारे में बात हो गई वहीं अगर हम टेम्परेचर एंड ट्रोपी की बात करें तो वाई एक्सिस के अक्रॉस हमारा टेम्परेचर बनाया जाता है एंड एंट्रोपी जो होती है वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस होती है और ये सेम इस तरीके का एक डायग्राम बनता है कार्नोट साइकिल के लिए तो फिर से समवर्ट इसी तरीके से तो ये अगर वन टू थ्री फोर इस तरीके से हम इसको बता दें कुछ मार्किंग हमने कर दिया है तो वन से टू तक क्या हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो यहाँ पे क्या हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन टू से थ्री तक क्या हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है थ्री से फोर पे क्या हो रहा है Isothermal compression, तो यहाँ पे 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 हो हो गया, गया। इसी तरीके से यहाँ पे adiabatic compression हो गया. तो तो क्या क्या बोल रहा है? क्या जो है, वो है के, तो ये आ, की तो ये है एक्सिस पर अगर हम इसको ही देखें तो ये एंट्रोपी के पैरल है टेम्परेचर के पैरल ही अगर हम देखें तो ये तो टेम्परेचर है तो यहाँ क्या ये है ये एडियाबेटिक है इसके पैरल बट हमें आइसोथर्मल की बात पैरल ही तो, 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 तो एडियाबेटिक जब हम आइसोथर्म्स की बात करेंगे तो वो एंट्रोपी एक्सिस के पैरल है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो हमारी कार्नोट साइकिल के टेम्परेचर एनथेलपी डायग्राम है उसको देखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज तो यहां पे क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात कर रहा है तो क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में फर्स्ट ऑप्शन uh, है हमारा डीपी अपॉन डी टीवल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन सेकेंड यहां पर तो जब हम क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करते हैं तो क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमारा गिवेन होता है एज एल अपॉन टी वी टू माइनस वी वन तो ये हमारा क्लोशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कभी भी हमारे स्टेट में चेंजेस आते हैं दैट इज अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं या लिक्विड को गैशियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो भी चेंजिंग वाला प्रोसेस होगा उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और प्रेशर जो ये जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन प्रेशर तो जैसे कि अगर हम इस इन के बारे में बात करें तो ये इन क्या बताती है कि जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे प्रेशर पे और यही क्लैपेरॉन ने बताया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को यूज करते हुए तो जो क्लोशियज क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है उसको डिफाइन किया जाता है एज एल अपॉन्टी वी टू माइनस वी वन तो फर्स्ट ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज तो जो गिब्स पोटेंशियल होता है उनको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं तो गिब्स पोटेंशियल एक थर्मोडाइनिक पोटेंशियल है और इसको डिफाइन करते हैं एज U प्लस पी वी माइनस टी एस से तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हेलमोल्ड फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड एज तो जो हेलमोल्ड फ्री एनर्जी फंक्शन है उन्हें हम डिफाइन करते हैं एज एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस जहाँ पे यू टी एस तीनों ही स्टेट वेरिएबल्स होते हैं एज अगर हम एफ की भी बात करें तो एफ भी हमारा स्टेट वेरिएबल होता है और ये जो एफ है दलमोल्ड फ्री एनर्जी है उनके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो उनका डायमेंशन बराबर होता है एनर्जी के डायमेंशन के तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हेलमोल्ड फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक रिलेशन तो मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक रिलेशन की बात करेंगे तो चार मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक रिलेशन हमें प्रोवाइडेड है तो पहले की बात करें तो पहला हमारा इक्वेशन होता है डी एस अपॉन डीवी टी इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी वी दूसरा जो होता है वो है डी डेल एस अपॉन पी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल्टी पी थर्ड जो होता है वो है डेल्टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेलेस वी एंड जो फोर्थ होता है वो होता है डेल्टी अपॉन डेल पी एस इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेलेस तो ये चार थर्मोडाइनेमिक्स या कह सकते हैं मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक रिलेशन होते हैं अब हमें यहां से बताना है कि कौन से फॉलोइंग में से हमारा मैक्सवेल थर्मोडाइनेमिक रिलेशन नहीं है तो अगर इसकी बात करें तो ये तीन हमारे थर्मोडाइनेमिक रिलेशन हैं। जो कि क्या है डेल्टी अपॉन डेलवी एस जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एस अपॉन डेल वी भी है डेल्टी अपॉन डेल पी भी है बट ये जो है ये हमारा मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन नहीं है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा अगर ये माइनस डेल वी अपॉन डेल्टी होता तब ये भी होता मैक्सवेल रिलेशन बट ये नहीं है तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रिलेशन हमारा नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे आइस की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो डिक्रीज करते जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड देन द रूट मीन वेलोसिटी बिकम्स तो यहां पर बात किया जा रहा है कि अगर गैस का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए उस केस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम रिलेशन देखें तो वी आर एम एस बराबर होता है अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम के बराबर ये होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रिलेशन अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो टेम्परेचर है उसको हम डबल कर दे रहे हैं दैट इज जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको हमने डबल कर दिया तो डबल कर दिया तो मान लिया वी डैश आर एम एस हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट आर ये हो जाएगा अपॉन एम इन्हें हम फर्दर क्या लिख सकते हैं v डैश आर एम एस इज अंडर रूट थ्री वी आर एम एस के बराबर हो जाएगा कैसे क्योंकि ये बस रूट टू एक्स्ट्रा है बाकी थ्री आर टी अपॉन एम तो सेम चीज है तो क्या देखा कि जो नया वी आर एम एस मिल रहा है वो रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस होगा दैट इज रूट टू टाइम्स हमारा क्या हो रहा है Velocity बढ़ जा रही root mean square speed जो है वो कर कर जाएगी अगर हमने absolute time, temperature को double कर दिया है तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट किसी -किसी ऑप्शन के भी ऑर्डर का दिया रहेगा दैट इज रूट टू की वैल्यू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉल इक्वेशन ऑफ वन मोल ऑफ रियल गैस इस वॉल इक्वेशन के बारे में बताना है फॉर वॉट फॉर वन मोल ऑफ गैस तो

टी सी पी सी वी सी अब यहां पे टी पी और वी की वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देंगे हम तो आर टी की वैल्यू जो होती है वो होती है थ्री ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी आर पी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होती है ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर और VC की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होती है थ्री बी जब इन्हें फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो इनको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा एट बाई थ्री दैट इज जो क्रिटिकल कोफिशियंट होती है रियल गैस की उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी एट बाई थ्री के दैट इज फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इन तीनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो इन तीनों का रिलेशन जो होता है वो डिफाइंड होता है एज जो मोस्ट प्रॉबेबल स्पीड होती है वो लेस देन होती है एवरेज स्पीड के और वो लेस देन होती है वी आर एम एस के बराबर तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल्स आर तो चार थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में हमको पता है और वो जो चार थर्मोडाइनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं वो होते हैं इंटरनल एनर्जी जिन्हें हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंथेलपी की बात करेंगे हम इंथेलपी क्या होता है इन्हें हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं वेर एज गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे जिन्हें हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लास्टली हेलमोल्स फ्री एनर्जी और ये ने रिप्रेजेंट किया जाता है एफ के साथ तो ये चार जो होते हैं थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स होते हैं अब हमको बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो यू एच जी एफ यू एच जी, जी, जी एफ की बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है जहां पे चारों ही थर्मोडानेमिक पोटेंशियल्स के बारे में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं

करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थर्मल रेडिएशन आर थर्मल रेडिएशंस की बात कर रहा है तो थर्मल रेडिएशन सिंपली क्या है कि जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं किसी हॉट बॉडी से कूलर बॉडी में वही हमारा सिंपली हम एक तरीके से रेडिएशन के टर्म्स में बोल सकते हैं तो ये जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं तो ये हो गए इंफ्रारेड रेडिएशन और इनकी वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वो 8000 थाउजेंड एंगस्ट्रम टू 4000 थाउजेंड एंगस्ट्रम्स की रेंज की वेवलेंथ होती है इनकी तो इंफ्रा रेड रेडिएशन जो है वही होते हैं थर्मल रेडिएशन तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द अब्जॉर्बिव पावर इज तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं अब ब्लैक बॉडी कैसी होती है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि, कि किसी भी तरीके के रेडिएशंस को वो ऑब्जॉर्ब कर लेगी अब जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कराए दैट इज एक ऐसी ब्लैक बॉडी जो परफेक्टली सारे रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले तो इसकी जो पावर के टर्म्स पर हम बात करेंगे तो वो कम्पलीटली क्या हो जाएगा वन दैट इज कम्प्लीटली सारी रेडिएशंस को अगर हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर ले रही है तो उसकी ऑब्जॉर्बिव पावर क्या हो जाएगी वन के बराबर हो जाएगी तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टार विच अपियर ब्लू विल बी तो एक ऐसा स्टार जो ब्लू हो जा रहा है वो क्या होगा तो जब कभी भी हम ऐसी बात करें कि, कि किसी भी स्टार या किसी भी चीज की जो ब्लूइश अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी मच हॉटर देन द सन होगी तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब भी कोई स्टार ब्लू के लाइक ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है ब्लू अपीयर हो रहा है हमें तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी एज कंपेयर टू सन तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात की जा रही है तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस तरीके से डिफाइंड है कि कोई भी वेवलेंथ जो अपनी मैक्सिमम एनर्जी अपजस कर रहा हो और उसका प्रोडक्ट अगर हम टेम्परेचर के साथ करें तो वो कांस्टेंट होगा दैट इज डेल्टा एम इंटू टी अगर हम करें तो ये कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारा क्या कहता है कि जब कभी भी अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं बढ़ाते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेडिएशन एमिट होता रहेगा उसकी वेवलेंथ लेंथ शॉर्टर होती जाएगी और यही हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है तो डेल्टा एम इंटू टी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टी एंड वेवलेंथ इज इक्वल्स टू तो ऑब्वियसली जब ये कॉन्स्टेंट आ रहा है अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो उसको करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा तो यही एक डिस्प्लेसमेंट लॉ था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ वीन्स कॉन्स्टेंट इज वीन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू के बारे में बात करना है दैट इज डेल्टा एम इंटू टी हम करे थे कॉन्स्टेंट के बराबर तो वही कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमको बतानी है तो अगर हम मीटर पर कैलविन की रेंज की बात करें तो 2.87 पॉइंट एट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर पर कैलविन मीटर कैल्विन की वैल्यू आती है बट यहां पे क्या दिया है 0.287 पॉइंट टू एट सेवन इंटू टेन पर थ्री मीटर केल्विन तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा अब यहां पे सेंटीमीटर के रेंज में जाएंगे तो अगर हम इन मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू तो इतनी तो नहीं आने वाली है तो अगर हम मीटर केलविन की बात करें अगर इनका एक पावर कम कर दिया जाए दैट इज 10 टू द पावर 2 कर दें तो मतलब इनको 10 से डिवाइड किया जा रहा है इस वैल्यू को तो जब हम इनको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.287 पॉइंट टू एट सेवन इंटू माइनस टू मीटर एलिविन तो 10 पावर 3 से चेंज कर दिया 10 टू द पावर 2 में 10 टू द पावर 2 से किया तो मतलब कि एक 1 अपॉन टेन से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये टेन पावर माइनस था टेन से डिवाइड कर दिया दैट इज टू दावर माइनस टू अपॉइन टेन कर दिया तो 10 से डिवाइड किया तो ये एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो 0.287 10 -2 मीटर केल्विन ज होगा करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम तो कौन सा ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है तो जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड कूलर बॉडी में और उस पॉइंट पे देखा जाता है कि जब भी हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के फॉर्म में तो हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है तो इनका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जहाँ पर हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक ऑसिलेटर इज गिवन बाय तो जो एवरेज एनर्जी होती है प्लैंक ऑसिलेटर की वो होती है

फर आ सब्सटेंस ट्रिपल पॉइंट कैन बी तो ट्रिपल पॉइंट सिंपली हमारा किस तरीके का पॉइंट होता है कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि द टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी सब्सटेंस के लिए एक पॉइंट पे मतलब एक ऐसी पॉइंट जिस पे कोई भी सब्सटेंस हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है किसी भी स्टेट की बात करें अगर हम लिक्विड की बात करें सॉलिड की बात करें गैशियस की बात करें तो उस पॉइंट का बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो हमारा ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा तो ये किसी भी सब्सटेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है तो फर्स्ट ऑप्शन इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन थर्मोडानेमिक्स एंड कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक यू सो मच